नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को बढ़ाने पर पूरा जोर दिया गया है। इस कड़ी में शिक्षा विभाग पटना ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम विद्यालयों में लागू कराने को कहा है। शिक्षा विभाग के आदेश पर डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को 28 विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को शुरू करने का निर्देश दिया है। प्रत्येक प्रखंड में दो दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए शिक्षा कार्यालय ने रूपरेखा भी तैयार कर ली है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अहसन ने बताया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम वर्ग 9वीं और 10वीं में ऐच्छिक विषय के तौर पर संचालित होंगे। अनिवार्य विषय के तौर पर 11वीं और 12वीं में पढ़ाई कराई जाएगी। इसके लिए प्रखंड के दो दो विद्यालयों का चयन भी कर लिया गया है जहाँ पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित होंगे। प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रमेश कुमार पाल ने बताया कि कौशल विकास समिति के सदस्यों के समक्ष व्यावसायिक पाठ्यक्रम की रूपरेखा भी प्रस्तुत कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2022-24 की कार्य योजना एवं बजट में स्वीकृति सूची को कौशल समिति के अनुमोदन प्राप्त कर भेजा जाना है। सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य के साथ साथ भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक पाठ्यक्रम को संचालित करने की रूपरेखा तैयार की गई है। इनमें एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक एंड SW, ब्यूटी और वेलनेस, टेलीकॉम, कंस्ट्रक्शन, ID, ITC, स्पोर्ट्स एवं फिजिकल एजुकेशन और एरोस्पेस एंड एविजन सहित कई अन्य पाठ्यक्रम का चयन भी कर दिया गया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। भोजपुर जिले के 14 प्रखंड को के विद्यालयों में 28 व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू होंगे। इनमें आरआर सदर के हित नारायण क्षत्रिय विद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक और गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में ब्यूटी एंड वेलनेस, बड़हरा प्रखंड के हाई स्कूल गजियापुर और हाई स्कूल बबुरा में एग्रीकल्चर, अगियाओं प्रखंड के हाई स्कूल पौना और चिल्हर में टेलीकॉम, बिहिया प्रखंड के कस्तूरबा गर्ल्स प्लस टू हाई स्कूल और हाई स्कूल जगदीशपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स, चरपोखरी प्रखंड के हाई स्कूल सिमराव में कंस्ट्रक्शन और हाई स्कूल बर्नी में एग्रीकल्चर की पढ़ाई होगी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं।